हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि हम कॉफ़ी को यूज करके कैसे घर पे ही बहुत ही आसानी तरीके से स्क्रब बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा आप सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, जो ये स्क्रब होता है, स्क्रब के जरिए चेहरे की सारी गंदगी और डेड स्किन सेल को निकाल कर बाहर आ जाती है, तो इनर्स दूर होती है बल्कि त्वचा में भी चमकाने। फ्रेंड्स, आइए बताते हैं हम कि हमें ये कॉफ़ी मसाज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हम इसमें जो भी चीज़ यूज करेंगे वो हमारे इजली किचन में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है ये कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स, जो हमारा ये कॉफ़ी पाउडर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो हमारी स्किन को जवा रखने में मदद होते हैं, और यह काफ़ी फेस पे स्क्रब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो रोम छिद्रों को साफ करके चेहरे पे पड़ी झुर्रियों को कम करता है तथा ये बैक्टीरिया और फंगस को भी दूर करता है। फ्रेंड्स, अब आपको पार्लर में फेशियल और बॉडी स्क्रब अपना के लिए पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। आप कॉफ़ी को ब्यूटी इंग्रेडिएंट बनाकर आप ये घर पे ही आप स्क्रब बना सकती हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीफैक्सीडियर के गुण बैक्टीरिया को, जो स्किन सेल को डैमेज करने से रोकती है, जहाँ कॉफ़ी सन स्किन को ब्राइट करने का काम करती है और ये रोम छिद्रों को भी टाइट करती है। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन कई तरह की स्किन समस्या को से निजात दिलाने का काम करता है। कॉफ़ी में कई ऐसे तत्व तो होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। कॉफ़ी से बनने वाले स्क्रब से स्किन को ताज़ा रखता है और कॉफ़ी के बने स्क्रब के ढेर सारे फायदे होते हैं। जानते हैं ये फायदे क्या हैं? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के काम करता है ये कॉफ़ी स्क्रब। इस्तेमाल से ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करता है तथा इसे सर्कुलेट लाइट भी मौजूद करती है। आपके स्किन टोन करता है। शानदार एक्सोक्लेटी के गुण होते हैं। कॉफ़ी में काफ़ी स्विच को बेहतरीन स्किन फ्लेमेटरी है, जिसमें एक ऐसे तत्व तो होते हैं जो स्किन को ताज़ा तरोजर रखते हैं। यहाँ पर जो हमने दूसरा चीज़ यूज़ किया है, हमारा चीनी है। चीनी पीसी हुई हमने यहाँ पे हल्की दरदरी चीनी कर लिया, ज़्यादा नहीं लेंगे, आधा चम्मच लगभग लेंगे। चीनी में पाए जाने वाले एंजाइम्स और अमीना एसिड भी होती है, जिससे स्किन हमारे हेल्दी बनती है और ब्राइट और लाइट करने में हमारे स्किन को ये सहायता करता है, और चीनी से स्क्रबिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तीसरा चीज़ लिया है हल्दी पाउडर। ये हमारे हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, जो हमारे चेहरे के होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने के भी गुण होते हैं। हल्दी चेहरे में चमक लाती है और फुंसी आदि को हटाती है। यहाँ पे हल्की सी हल्दी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक चुटकी हल्दी लेना है ये। यहाँ पे हमने जो चौथी चीज़ लिया, यहाँ पे हमने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल। और हम इस जो एलोवेरा जेल होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। निखार के लिए बहुत ही अच्छा क्लींजर माना जाता है। एलोवेरा में एंटी माइक्रोवेल के गुण होते हैं, जो स्किन को मुहासे की समस्या को दूर करता है। यहाँ पे हम 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे। एलोवेरा से दाग धब्बे दूर होते हैं, रूप निखारने के लिए, त्वचा को गोरापन करने के लिए, चेहरे के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही अमृत होता है। एलोवेरा जेल सन बर्न में भी हमारे बहुत फायदे करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पांचवा और आखिरी जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा नींबू। नींबू जो होता है, इसमें विटामिन सी और बी फास्फोरस हाइड्रेट होता है। इस नींबू में मौजूद अम्ल त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नींबू में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल से भरपूर मित्र कोशिकाओं को बाहर निकाल देता है और साथ ही साथ दाग धब्बों को कम करता है। चेहरे पे होता है, त्वचा को हल्का बना देता है। नींबू त्वचा को रौनक ला देता है। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज की मात्रा होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी को मिलाकर ताकि हमें इसे किस तरह अपने फेस पे अप्लाई करना है। सर, सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और इसको इस तरह से लेकर पूरे फेस पे ऐसे
लगाना है। 5 से 10 मिनट तक हमको मसाज करना है। जब अच्छी तरह से ये हमारा फेस पे मसाज हो जाए तो इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना सूखने तक। जब ये आपका स्क्रब अच्छी तरह से सूख जाए तो हमें वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, ये चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ाएगी। इस स्क्रब से चेहरे के दाग, धब्बे, पिंपल्स के निशान हटेंगे। इस स्क्रब से चेहरे पर सेट कम होगा, चेहरा मुलायम हो जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, चेहरा के जो स्किन टोन ब्राइट हो जाएगा और चेहरा चमक जाएगा। फ्रेंड्स, में इसको 2 बार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बार में ही बहुत ज़्यादा ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर करें घर पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।